राम रहीम जेल। सातवीं यौन शोषण मामले में दोषी डेरा सिरसा प्रमुख पुरमीत राम रहीम को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। पंचकुला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के जज जगदीप सिंह हेलीकॉप्टर से स्टाफ के साथ रोहतक की सुनारिया जेल पहुंचकर राम रहीम को सजा सुनाएंगे। अनुमान है कि सजा दोपहर करीब 2:30 बजे सुनाई जाएगी। कानूनविदों का मानना है कि बाबा को 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसे देखते हुए इस इलाके की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। हालांकि सिरसा को छोड़कर अभी कहीं कर्फ्यू नहीं है। हालांकि पिछली स्थिति को देखते हुए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और यूपी के कुछ जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रोहतक जेल के 3 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ तैनात है। पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां गश्त कर रही हैं। सुनारिया जेल को किले में तब्दील किया गया है। जेल के 3 किलोमीटर पहले से किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। इस बीच सुनारिया जेल जाने की कोशिश में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। रोहतक में सेना अलर्ट पर। रोहतक में सेना को आपात स्थिति के लिए अलर्ट पर रखा गया है, जबकि सिरसा में सेना मोर्चे पर है। प्रदेश में हर स्थिति से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों की 131 कंपनियां व सेना की 22 टुकड़ियां तैयार हैं। जेल में बनाई गई अदालत। राम रहीम इन धाराओं में होगी सजा। राम रहीम को आईपीसी की धारा 376 रेप और धारा 506 आपराधिक धमकी देना में सजा सुनाई जा सकती है। धारा 376 के तहत उसे न्यूनतम 7 और अधिकतम 10 साल की सजा सुनाई जा सकती है, साथ ही जुर्माना भी लग सकता है। वहीं धारा 506 के तहत 2 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। जेल में बनाई गई अदालत। सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में एडीजीपी कानून व व्यवस्था मोहम्मद अकील और सीआईडी एडीजी अनिल राव रोहतक पहुंचे। डीसी के साथ जेल परिसर में जाकर सजा सुनाने के लिए बनाई गई कोर्ट का जायजा लिया। सूत्रों का कहना है कि जेल के अंदर 5 कुर्सी लगाई गई हैं। मुख्य कुर्सी पर जज और बराबर में रीडर व स्टेनो बैठेंगे। सामने कतरा बनाया गया है। इसमें डेरा प्रमुख सजा सुनाते समय खड़ा रहेगा। सामने सीबीआई और डेरा प्रमुख के वकील होंगे। रोहतक जिले के आसपास के 100 डेरा प्रेमी गिरफ्तार। रोहतक रेंज के आईजी नवदीप विर्क ने बताया कि रेंज के अंदर 2 दिन में 100 डेरा प्रेमियों को गिरफ्तार किया गया है। सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रोहतक और दादरी में लगातार छापेमारी की गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। राम रहीम पीसी सेल्फ। सुरक्षा व्यवस्था। जेल की 6 लेयर सुरक्षा। 28,000 पुलिस और अर्धसैनिक बल जवान। जेल के 3 किलोमीटर के दायरे में 10 सुरक्षा नाके। हर एक नाके पर पुलिस के 10 और बीएसएफ के 15 जवान। 50 एकड़ में फैला है जेल परिसर। पूरा जेल क्षेत्र 104 एकड़ में फैला। जेल की दीवार की लंबाई 18 फीट। जेल की दीवार की चौड़ाई 2.5 फीट। इंटरनेट सेवा स्थगित। सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा में इंटरनेट सेवाएं 29 अगस्त सुबह 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। शिक्षण संस्थान 28 अगस्त को बंद रहेंगे। डेरा सच्चा सौदा सिरसा की ब्रॉडबैंड और इंटरनेट लीज लाइनों को भी बंद कर दिया गया है। ट्रेन सेवा बहाल। हिंसा से प्रभावित पंजाब और हरियाणा में दिल्ली रोहतक बठिंडा सेक्शन को छोड़कर बाकी इलाकों में बाधित रेल सेवाओं को शनिवार से बहाल कर दिया गया है। रोहतक में रोडवेज बसों को भी बंद रखा गया है। मरने वालों की तादाद 38 हुई। हरियाणा के डीजीपी बीएस संधू के मुताबिक बाबा राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद भड़की हिंसा में मरने वालों की तादाद बढ़कर 38 हो गई है। 263 लोग घायल हैं। हिंसा में 32 लोगों की मौत पंचकुला और 6 की मौत सिरसा में हुई। सिरसा में मारे गए सभी लोगों की पहचान कर ली गई है, जबकि पंचकुला में मारे गए लोगों में 24 की पहचान हुई है। 20 लोगों की लाशें उनके परिजनों को सौंप दी गई हैं। इनमें 9 पंजाब के, 10 हरियाणा और 1 राजस्थान के थे। बहरहाल हरियाणा में पिछले 24 घंटे के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। आगे पढ़ें। जेल में बनाई गई अदालत। संबंधित खबरें एक्सपर्ट से जानिए। राम रहीम को कितने साल की हो सकती है सजा। मंगलवार तक इंटरनेट बंद। सीएम बोले किसी भी कीमत पर हालात बिगड़ने नहीं देंगे। दोस्तों, इसी तरीके के रोज ब्रेकिंग न्यूज जानते रहने के लिए नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।